नमस्कार साथियों, मैं सतन सिंह आप सभी का एक फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम 11th एनसीईआरटी का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमने तीन वीडियो सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल और साथ ही साथ में हमने बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, इन सभी के बारे में आपको बताया था, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में मित्रों हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट ये है, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनका मॉडिफिकेशन क्या होता है और वो जो कैसे डेवलप होता है, आखिर में ये सेल इन्वेलप आखिरकार ये होता क्या है सेल इन्वेलप, इस बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी है इसमें, किस तरीके से सेल वॉल है, ग्लाइकोलिक्स क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, और इसमें आज हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका कि नाम है क्रोमेटोफोर, उसको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस करेंगे, तो होता क्या है उससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिससे बिना किसी रुकावट के आप हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है और उसका जो इन्वेलप होता है वो कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है। यानी कि हम अगर कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का? दरअसल कॉम्प्लेक्स का ये मतलब होता है कि जो सेल इन्वेलप होता है वो टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तीन लेयर होती हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर की लेयर उसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर इसके बाद फॉलोड बाय सेल वॉल, और देन जो इनर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक दो लेयर, ये तीनों लेयर एक दूसरे से टाइटली बाउंड होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं लेयर, ठीक है ना? तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग्स डिफरेंट बैक्टीरिया। यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि यही अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज्ड होगी, लूज सीथ होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। लूज सीथ होगी तो इसको क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। और यही अगर थिक और टफ होगी, यही लेयर अगर थिक और टफ होगी तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है? कैप्सूल। तो बैक्टीरिया में कैप्सूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी लूजली बाउंड अगर होगी ग्लाइकोकैलिक्स तो इसको क्या बोलेंगे आप? तो इसको स्लाइम लेयर कह देंगे, और अगर टाइटली होगी, थिक होगी, तो ये क्या कहलाएगी? टफ एंड थिक क्या होगी? ये कैप्सूल होगी, ठीक है ना? तो ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जो सेल वॉल होती है डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। यानी कि जो सेल वॉल होती है शेप प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बैक्टीरिया को। शेप ऑफ द सेल यानी सेल वॉल क्या होती है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस शेप प्रोवाइड कराएगी, आकार देगी उसको, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि सपोर्ट देने के लिए होती है, ठीक है ना? और प्रोवाइड द बैक्टीरियम फ्रॉम वर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया को वर्स्ट होने से, बैक्टीरिया को फटने से और उसको कोलैप्स होने से ये सेल वॉल बचाती है, ठीक है? तो क्लियर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग और वर्स्टिंग होने से बचाती है, और साथ ही साथ में ये क्या कराती है? सेप, एक बैक्टीरिया को एक सेप प्रोवाइड कराती है। तो ठीक है, क्लियर, ये तो पता चल गया कि आखिरकार सेल वॉल का क्या इंपॉर्टेंस होता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। कैसी? सेमी परमिएबल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोटिक के सिमिलर होती है बैक्टीरियल सेल की। तो फिर इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है मीसोसोम का। तो जो मीसोसोम होते हैं वो स्पेशलाइज्ड इनर फोल्डिंग होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनर फोल्डिंग होके वो क्या बनाती है, मीसोसोम बनाती है। तो एक्स यानी कि कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस इन फोल्डिंग इनटू द साइड ऑफ द प्लाज्मा इनटू द साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, इस कारण है मीसोसोम। अच्छा, मीसोसोम बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है, ठीक है। तो दीज एक्सटेंशन जो फंक्शन क्या होती है, जैसे रिस्पायरेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी मीसोसोम। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगर दूसरे एक्सटेंशन की बात करते हैं तो दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लैमली। और इसके बाद अलग से एक्सटेंशन होते हैं, कौन कौन से, वो वेसिकल्स हैं और ट्यूब्यूल्स हैं और लैमली हैं। ये क्या करेंगे, हेल्प में, इसको उसका क्या हेल्प होता है, ये किस में मदद करते हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ट्यूब्यूल, लैमली और वेसिकल्स। और डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है। और दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेंगे। तो सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिक्रीशन प्रोसेस को ये क्या करेंगे, सिक्रीशन प्रोसेस को ये सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, जैसे सिक्रीशन प्रोसेस बढ़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी ये सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जिनको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उनमें क्या होता है, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म। तो इनमें अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में इनर मेम्ब्रेनस जो इनफोल्डिंग होती है, यानी कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेनस, इसमें जो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर जो है हमारा किस में हेल्प करता है, ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो का, कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, ठीक है, इसमें पिगमेंट भी होते हैं, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और ये किसमें हेल्प करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में करेंगे। तो ये तो थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखते हैं आगे, तो आज का महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हो गए होंगे, आपको याद करना है क्रोमेटोफोर हेल्प इन फोटो सिंथेसिस। और फिर बताया था ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके से बैक्टीरिया की जो होती है एक दूसरे से लेयर कैसी होती है, चिपके होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बात पॉइंट ये है कि जो मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो फ्लैजला होता है, ठीक है ना, जो फ्लैजला है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रदान कराते हैं, ठीक है। अगर फ्लैजला होंगे तो क्या होगा, तो बैक्टीरिया मोटिलिटल होगा, यानी कि बैक्टीरिया जो एक स्थान दूसरे स्थान तक मूव कर जाएगा, तो अगर उसमें फ्लैजला होंगे। तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, फ्लैजला क्या होते हैं, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, यानी सेल वॉल से जो एक्सटेंशन होते हैं अदर साइड, वो क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, फ्लैजला होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजला बैक्टीरियम फ्लैजलम कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, कौन कौन से, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लैजला के तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि फ्लैजलम, ठीक है, पहला पार्ट तो होगा फ्लैजलम, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक है ना।
कौन कौन से? फिलामेंट, हुक, फिलामेंट, हुक और वेसल बॉडी, ठीक है। ये किसके पार्ट होते हैं? ये सब फ्लैजेला के पार्ट होते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला के पार्ट होते हैं कौन कौन से? फिलामेंट, हुक और वेसल बॉडी, ठीक है ना। फिलामेंट, हुक और वेसल बॉडी, तो ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो इसके बाद एक स्ट्रक्चर और होते हैं, पिलाई होते हैं, ठीक है। प्रोटीनियस पिलाई में याद रखेंगे, पिलाई होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, ठीक है। फैम्ब्री आर आल्सो सरफेस, जो फैम्ब्री भी होती है इसमें, ठीक है। बेसाइड फिजला पिलाई भी होती हैं और फैम्ब्री भी होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, जो ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। जो पिलाई और फिम्बरी होते हैं, ये क्या होते हैं? पिलाई और फिम्बरी जो होते हैं, पिलाई और फिम्बरी जो होते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल को मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। पिलाई और फिम्बरी क्या होते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ये बैक्टीरियल को मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। और पिलाई क्या होती हैं? प्रोटीनियस होती हैं और इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। पिलाई क्या है? प्रोटीनियस, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन और स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है। तो अब हम बात करते हैं फिम्बरी की। स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट विस्टर लाइक सिलिया होते हैं, फिम्बरस, फिम्बरस की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं? आउट ऑफ द सेल, स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल, तो क्या करते हैं? हेल्प टू अटैच, सेल्स को कहीं भी अटैच करने में हेल्प करते हैं। हेल्प टू अटैच बैक्टीरियम टू द रॉक इन स्ट्रीम, यानी कि चट्टान से चिपकने में ये मदद करते हैं, कौन? ये फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी क्या करती है? हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू द रॉक, बैक्टीरिया को रॉक में अटैच करने में हेल्प करते हैं। एंड आल्सो हेल्प टू द होस्ट टिश्यू, और किसी होस्ट टिश्यू में भी ये चिपकने में मदद करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार से आप इसको बात करें। अच्छा, इसमें चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये एक दूसरे से कंपोज स्ट्रक्चर होते हैं। इसको एनवेलप इसलिए बोलते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल कम्प्लीटली कंपाउंडली ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। क्रोटोफोर जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद फिलामेंट में क्या? फिलामेंट मूवमेंट के लिए होता है, बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए फिलामेंट होता है, ठीक है। और जो फ्लैजेला, तो फिलामेंट क्या? जो फ्लैजेला होता है, सॉरी फिलामेंट नहीं, जो फ्लैजेला होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें जो फ्लैजेला के तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, फिलामेंट, हुक और वेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक और वेसल, वेसल बॉडी। पिलाई क्या होता है? पिलाई होता है, ये होता है जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है और इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिम्बरी होता है। फिम्बरी क्या करता है? स्मॉलेस्ट विस्टल सीलिया होते हैं, हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक ऑफ द स्ट्रीम, बैक्टीरिया को रॉक स्ट्रीम में ये चट्टानों से चिपकने में और होस्ट से होस्ट टिश्यू से चिपकने में ये हेल्प करते हैं। तो वीडियो पसंद आए एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए।